स्टूडेंट्स, बेटा आज इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है, एक्सरसाइज 1.4 का जो कि लास्ट क्वेश्चन है, ये बेटा जो हमने लास्ट लेक्चर में जो क्वेश्चन नंबर 5 और जो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस कर रहे हैं, दोनों आपको पता है इस एक्सरसाइज के क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन। तो इसलिए आप इनको बड़े ध्यान से कर रहे हैं जी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट क्या है, फर्स्ट पार्ट में आपके सामने डिस्कस करूंगा बेटा। मैंने ए और बी मैट्रिक्स की क्यों कह रहा है फॉर ए इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस, प्रूव आपने क्या करना है कि ए बी होल ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। स्टेटमेंट का मतलब क्या है, जब इसे देखिएगा कि आपने ए और बी को क्या करना है, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करके देन उसका क्या लेना है, ट्रांसपोज। और राइट साइड पे वो क्या कह रहा है कि पहले आप b का और a का क्या लें, ट्रांसपोज लें, और देन आप दोनों को क्या करें, मल्टीप्लाई वगैरह भी दोनों तरह से आंसर क्या रहेगा, सेम। लेकिन ये लेफ्ट हैंड साइड लेकर क्या इस तरह से पॉसिबल है या नहीं, ये इस तरह से एग्जिस्ट करती है बात ही नहीं करती। तो लेफ्ट साइड है भी आपके पास a b का फोर ट्रांसपोज। सबसे पहले हम a b को क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। ले बेटा a b को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो आपके पास a वाली मैट्रिक्स है -1 3 2 0, इसको आपने बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाना है जो कि 1 2 -3 और -5। तो ले हम दोनों को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, -1 मल्टीप्लाई किससे होगा, 1 से, 3 से मल्टीप्लाई होगा -3 से, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम, -1 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई -5, 2 मल्टीप्लाई 1, 0 मल्टीप्लाई -3, 2 मल्टीप्लाई 2 और 0 मल्टीप्लाई बेटा कुछ से होगा -5। ये आ गया हमारे पास a b को मल्टीप्लाई करने से, क्या आ गया -1 into 1 -1 ± -3 = 2 1 2 ± 0 into 3, बेटा क्या आ जाएगा, 0 माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस 5 3 = 15, 2 2 = 4 प्लस माइनस माइनस 0 into 5 0। बेटा आपके पास a b को मल्टीप्लाई करने से क्या आंसर आया, -10 2 -17 और 4। तो जल्दी से अब देखिएगा अपनी लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, ए बी का होल ट्रांसपोज। तो अब हमने ए बी को तो मल्टीप्लाई कर लिया, हम इसका क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज। तो ए बी का ट्रांसपोज ले लीजिए। तो ट्रांसपोज में क्या करते होते हैं बेटा, आप रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दोगे या फिर कॉलम्स को रोज में। तो -10 -17 मैं इसको रोज से कन्वर्ट कर रहा हूं बेटा कॉलम्स में, और 2 और 4 भी रोज से इसमें कन्वर्ट कर रहा हूं कॉलम्स में। तो ये हमारे पास आगे से इसकी लेफ्ट हैंड साइड, इसका नाम है क्या बेटा, इक्वेशन नंबर। अब हम इसी आ जाते हैं राइट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज। जब मैं यही बस दोनों मैट्रिसेस पुट करके इसको सॉल्व कर रहा हूं जी, बी मैट्रिक्स क्या है बच्चे हमारे पास, 1 2 -3 -5, इसके ऊपर ट्रांसपोज का सिंबल। सर ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, -1 3 2 और 0, माइनस का 1 3 2 और 0, इसके ऊपर भी क्या सा सिंबल आ जाएगा बच्चे, ट्रांसपोज। तो पहले हम इनके क्या लेंगे, ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, फिर दोनों को क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई। तो 1 2 रो से उठा के कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, -3 -5 रोज को कन्वर्ट कर दिया कॉलम्स में, इसी जगह पे भी -1 3 रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया, और अब हम इन दोनों को क्या कर रहे हैं बच्चे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लिकेशन बहुत ही आसान है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। देखिए बेटा 1 मल्टीप्लाई किससे हुआ, -1 से, -3 किससे मल्टीप्लाई हुआ, 3 से, 1 किससे मल्टीप्लाई हुआ सर, 2 से, -3 किससे मल्टीप्लाई हुआ सर, 0 से, 2 मल्टीप्लाई किससे होगा, -1 से, -5 किससे मल्टीप्लाई हुआ, 3 से, 2 किससे मल्टीप्लाई हुआ सर, 2 से, और -5 किससे मल्टीप्लाई हुआ सर, 3 के साथ। ठीक है, ऐसे ही दोबारा से देखिए जी, हमने यहां पर मिस्टेक कर दी, -5 किससे मल्टीप्लाई होगा सर, 0 से। यहां पर आप इसको अगर मजीद सिंपलीफाई करें तो b ट्रांसपोज इनटू a ट्रांसपोज का बेटा हमारे पास आंसर क्या आ गया, -1 into 1 -1 ± -3 = 9, 2 1s are 2 ± -5 = 15, 2 1s are 2 ± -0 into 3 0, 2 2s are 4 ± -5 = 0 0। ले बेटा b ट्रांसपोज इनटू a ट्रांसपोज का हमारे पास बेटा नेट आंसर क्या आ गया, -10
टू फोर माइनस सेवन। और देखेंगे क्या इक्वेशन नंबर वन और टू, ये इक्वेशन नंबर टू है और सर ये हमारे पास क्या इक्वेशन नंबर वन, क्या दोनों का आंसर सेम है? यस सर। हम इन दैट क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंड टू एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस हेंस रूट। यही चीज हमने क्या करनी थी बेटा, रूट। ठीक है बेटा, ये आपके पास फर्स्ट पार्ट है जो कि इतना ही सिंपल है, और इसी तरह का बेटा आपके पास सेकंड पार्ट है जिसमें आपने सेम यही प्रोसीजर अप्लाई करते हुए उसको सॉल्व करना है, वो आपका एज वर्क है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।